फ्रेंड्स, आज मैं आपको कुछ फ्लैश कार्ड बनाकर दिखा रही हूँ। ये सिंपली आपने वाइट ड्राइंग शीट लेकर उसके ऊपर ड्रॉ करके और उसके ऊपर आपने कोई कार्डबोर्ड लेकर कटिंग करके चिपका देना है और साइड पे आपने इसको टेप से कवर कर देना है, ऊपर से लैमिनेशन कर देना है। वाइट शीट, कोई भी ट्रांसपेरेंट शीट आपको मिल जाएगी ये स्टेशनरी की शॉप पर। ये फ्लैश कार्ड बनाकर आप अपने बच्चों को अच्छी तरह सिखा सकते हैं प्रैक्टिकली। अगर आप कोई भी कॉन्सेप्ट करवा रहे हैं, जैसे ये व्हीकल का कॉन्सेप्ट था तो इसलिए ये बनाए हैं, कार और इसे ट्रक का बनाकर आप बच्चों को दिखा सकते हैं अच्छी तरह। इससे बच्चे अच्छी तरह सीखते हैं और ये बहुत ईजी है बनाना। ये जितने भी आपको करवाने हैं उतने आप बनाकर अपने क्लासरूम में भी लगा सकते हैं। और अगर आप एंटिटी कर रहे हैं तो भी आपको ये असाइनमेंट मिलेगा बनाने के लिए, तो आपको ये देख के हाँ आपको हेल्प मिलेगी बनाने में। और ये मेरे पास काफ़ी बने हुए थे, इस टाइम मैं दो ही आपको दिखा रही हूँ। और इसके बाद मैंने बनाए हैं कुछ इलेक्ट्रिक आइटम के, वो आपको मैं दिखा रही हूँ अभी। ये रेडियो, टीवी और फ्रिज का है। इसमें आप, ये दूसरा स्टाइल है बनाकर, आप इस तरह रिबन से हैंगिंग में दिखा सकते हैं। आप अपने क्लासरूम में भी इसको हैंग कर सकते हैं बच्चों को बताने के लिए। ये बहुत ही अच्छा कॉन्सेप्ट है और अच्छा मेथड है। इसको देखकर बच्चे वर्बली तो सीखते ही हैं, साथ साथ प्रैक्टिकली भी देखकर अच्छी तरह सीखते हैं। ये भी सिंपली कार्डबोर्ड के ऊपर, वाइट शीट के ऊपर सेम प्रोसीजर है बनाने का। और आप अपने क्रिएटिविटी से कैसे भी इसको कलरिंग कर सकते हैं। ये मैंने वाटर कलर से बनाए हैं। आपके पास वाटर कलर अवेलेबल नहीं है तो आप सिंपली क्रेयॉन्स कलर जो आते हैं उनसे भी आप कर सकते हैं। और इसके बाद इनको आप डबल साइडेड भी बना सकते हैं, मैंने वन साइड ही बनाया है। ये भी आपको प्रोजेक्ट बनाने में काफ़ी हेल्प मिलेगी बच्चों को भी। इसके बाद मैंने ये एक बल्ब बनाया है, ये मैंने बोथ साइड बनाया है। इसको आप ऐसे भी बना सकते हैं और वन साइड भी बना सकते हैं, दोनों तरह से अच्छा लगता है। ये ऐसे देखकर बच्चे काफ़ी एक्साइटेड होते हैं और जल्दी सीखते हैं, उनकी लर्निंग अच्छी हो जाती है। तो इस तरह से आप बनाकर अपने क्लासरूम में हैंग करके अच्छी तरह बच्चों को रोज़ रिवाइज भी करवा सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो थोड़ी सी भी पसंद आई है तो लाइक और कमेंट करें। थैंक यू सो मच वीडियो वॉच करने के लिए।